झाबुआ शहर के मध्य में स्थित बस स्टैंड पर आए दिन विवाद और बस एजेंटों के अवैध वसूली की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी मारपीट और अन्य छोटी घटनाएं हुई है जो थाने तक सूचना नहीं पहुंच पाती थी। फरियादी मदनलाल पिता इंदरमल प्रजापत और पंकज पिता श्याम सुंदर बसोड़ ने लिखित आवेदन देकर बताया कि बस एजेंटों के द्वारा अवैध वसूली और गाली देना, धमकी देना आम बात है, जिसके कारण कोई भी इनके डर से रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं। लिखित आवेदन से आरोपी गणों के नाम दर्ज है जिनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अनुसंधान के बाद सभी बस एजेंटों को थाने पर उपस्थित किया तो अलग अलग बस की एजेंटी करना कबूल किया। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बस एजेंटी करना पाया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।